यादों के झरोखे में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त वैशाली, और आज यादों के झरोखे में बात होगी आरडी बर्मन साहब की, जिन्हें हम सभी पंचमदा के नाम से भी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा दिलचस्प किस्सा है जो अमूमन लोगों को नहीं पता होगा, और अंत तक जब ये किस्सा आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, क्या सच में ऐसा भी हुआ था। तो दोस्तों, बात करें आरडी बर्मन साहब की, तो वे भारतीय सिनेमा की दुनिया में संगीत को नया आयाम देने वाले राहुल देव बर्मन थे। 60 से लेकर 90 के दशक तक उनके गीत खूब हिट हुए। आज भी लोग उनके गाने सुनना पसंद करते हैं। आरडी बर्मन को सभी प्यार से पंचमदा बुलाते थे। उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। वह देश के अब तक के सबसे सफल म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं। बता दें, संगीत की दुनिया में उन्होंने न सिर्फ खुद को स्थापित किया बल्कि किशोर कुमार और आशा भोसले को भी सुपरस्टार सिंगर बनाया। मशहूर गायिका आशा भोसले से पंचमदा प्यार कर बैठे थे और उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। आशा ताई के मन में भी पंचमदा के लिए प्यार था, मगर उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। काफी वक्त तक प्यार और इनकार का दौर चला और आखिरकार दोनों एक दूसरे के हो गए। आपको बता दें, पंचमदा का जन्म 27 जून 1939 को मशहूर संगीतकार सचिन देव बर्मन के घर हुआ। पूरी दुनिया को अपने संगीत की धुन पर नचाने वाले और प्यार का एहसास दिलाने वाले पंचमदा खुद पर्सनल लाइफ में भी काफी रोमांटिक थे। एक दौर था जब वे आशा भोसले को दिल दे बैठे थे। आशा भोसले को जब उन्होंने शादी के लिए प्रपोज किया तो सिंगर ने एक झटके में उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन पंचमदा ने आखिरकार आशा भोसले को शादी के लिए मना ही लिया। दोनों की लव स्टोरी काफी दिलचस्प है। बता दें कि पंचमदा ने दो शादियां की थी। पहली शादी रीता पटेल से हुई थी, मगर बाद में उनका तलाक हो गया। आशा भोसले की भी ये दूसरी शादी थी। आशा भोसले से आरडी बर्मन की पहली मुलाकात 1970 की शुरुआत में हुई थी। तलाक के बाद पंचमदा जिंदगी के सफर में अकेले थे। इधर आशा भोसले के पति गणपत राव भोसले का भी 1966 में निधन हो गया था। दोनों अपनी अपनी जिंदगी के सफर में अकेले थे। आशा और पंचमदा ने साथ में खूब काम किया। पिया अब तू आजा और दम मारो दम जैसे जिन गीतों के लिए आशा भोसले को प्रसिद्धि और पुरस्कार मिले, उन्हें पंचमदा ने ही कंपोज किया था। आपको बता दें, पंचमदा आशा भोसले दोनों को जिंदगी में जीवन साथी से अलग होने का अनुभव और दर्द लगभग एक जैसा था, इसीलिए दोनों के बीच प्यार भी गहरा था। पंचमदा ने एक दिन आशा भोसले को शादी के लिए प्रपोज कर दिया, लेकिन आशा ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। आपको बता दें कि पंचमदा उम्र में आशा भोसले से 6 साल छोटे थे, लेकिन आशा के इनकार की वजह उम्र नहीं थी। दरअसल वे अपने पति की मौत के गम से बाहर नहीं निकली थी, लेकिन पंचमदा ने हार नहीं मानी और उन्होंने जैसे तैसे आशा भोसले को शादी के लिए राजी कर लिया। इस काम में लता मंगेशकर ने भी पंचमदा की काफी मदद की। आखिरकार सब तय हुआ और 1980 में दोनों की शादी हो गई। आशा भोसले और पंचमदा की शादी को लेकर एक और दिलचस्प किस्सा लता मंगेशकर से जुड़ा है। दरअसल लता मंगेशकर रिश्ते में पंचमदा की बड़ी साली हुई। वह उन्हें दीदी बुलाते थे। इन दोनों ने भी साथ में कई सुपरहिट गाने दिए थे। लता मंगेशकर ने चैतन्य पादुकोण की किताब आरडी बर्मनिया में पंचमदा संग अपने अटूट रिश्ते का जिक्र किया। लता मंगेशकर के मुताबिक, जब पंचम और आशा की शादी हुई तो पंचम ने मुझसे कहा कि दीदी, हमें आपसे कोई महंगा तोहफा नहीं चाहिए। यदि आप कुछ देना ही चाहती हैं तो एक काउंसलिंग लेटर लिखिए मेरे लिए और बताइए कि मुझे एक खूबसूरत शादीशुदा जीवन के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं। बता दें, लता मंगेशकर ने यह भी बताया कि पंचमदा ने लता मंगेशकर की उस चिट्ठी को जिंदगी भर संभाल कर रखा। एक दूसरे से प्यार करने वाले पंचमदा और आशा भोसले जीवन साथी बन गए थे, मगर उनका ये सफर काफी छोटा रहा। बता दें कि महज 54 साल की उम्र में
4 जनवरी 1994 को कार्डियक अरेस्ट के कारण पंचमदा का निधन हो गया और वे हमेशा के लिए आशाताई से दूर चले गए। म्यूजिक इंडस्ट्री सिनेमा जगत का एक अहम हिस्सा है जिसमें कई म्यूजिक डायरेक्टर्स आए और गए, लेकिन इस इंडस्ट्री में आरडी बर्मन यानी राहुल देव बर्मन सबसे अलग थे, जिन्होंने म्यूजिक की दुनिया को एक नई पहचान दी। तो दोस्तों, आज के इस किस्से में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। हमें कमेंट कर अपनी राय देना ना भूलें। नमस्कार।